बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त झटपट बनने वाली सब्ज़ी लेकर आई हूँ। और ये सब्ज़ी ठंडी होती है, लौकी है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, तो लिहाजा इस हवाले से भी मेरा दिल चाहता है कि मैं लौकी खाऊँ। मुझे लौकी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे दही में डाल के करती हूँ या किस तरह। थोड़ा सा जायके के लिए मैंने इसके अंदर, कुछ लोगों को खाली नहीं पसंद आता है, तो जायके के लिए मैंने इसमें थोड़े आलू डाल दिए। ठीक है, एक आलू है, बाकी ये देखिए आधा किलो जो है, आधा किलो जो है ये आप देखें, ये तरकारी है, मतलब ये लौकी है, लंबी वाली जो लौकी होती है वही लौकी है, ये लंबी वाली लौकी है। ठीक है, जहाँ रहें आप लोग खुश रहें। इसी तरह से आप लोगों ने मुझसे कहा था कि हमें आप बताएं कि कुछ हमें ज़रूरत है कि चीज़ों की, मतलब कुछ रेसिपी, लेकिन मजबूर थी मैं, क्योंकि यहाँ लाइट इतनी जा रही है, तो इसलिए मजबूरन मैंने जो है ये बाद में काफ़ी दिनों बाद बनाई है। सारा दिन लाइटें गई हैं, तो उस लिहाज से मैं नहीं कर सकी, लेकिन आज मैं काफ़ी अरसे के बाद बहुत हल्की फुल्की और झटपट बनने वाली रेसिपी लाई हूँ। इस रेसिपी में ज़्यादातर ख़ास बात यह है कि ये ठंडी होती है। ठीक है, ठंडी होने के हवाले से ये बहुत अच्छी होती है और बहुत टेस्टी होगी। इसमें देखिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये दो टमाटर मेरे लिए काफ़ी बड़े हैं, दो टमाटर और छः तकरीबन ये हरी मिर्ची ली हैं, दो टमाटर लिए हैं, छः हरी मिर्ची ली हैं। और मैंने, आप ये देखिए कि ये जो है ये आधा किलो जो है मैंने ये लौकी लिए, और ये जो मैंने लिया है आलू, इससे भी एक छोटा सा आलू लिया है। अब क्योंकि, और ये प्याज जो है ना वो एक अदद है, ये प्याज तो ये क्योंकि हल्की सी भुन रही है, तो इसमें डेढ़ चमचा मैंने ऑयल डाला है, और ये क्योंकि भुन चुकी है तो लिहाजा इसके अंदर ये मिर्चें और ये मैं टमाटर डाल दूँगी। ये देखिए अब ये मिर्ची और टमाटर जो है ना ये थोड़े थोड़े हो रहे हैं। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि ये मेरा मुनव्वर सुल्ताना का किचन है, और इसमें मैं ये चीज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो अभी ज़रा सा मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये टमाटर जो है थोड़ा सा गल जाए, तो उसके बाद फिर मैं ये सब्ज़ी डाल दूँगी। सब्ज़ी के लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं, तो उसमें आप देखिए कि ये जो मैंने लाल मिर्च ली है, ये गोल मिर्च है, ये तकरीबन 8-10 गोल मिर्च ली हैं, ये मैंने गोल मिर्च 8-10 ली हैं। और इसके अलावा मैंने ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, और इसके अलावा जो है अदरक, लहसुन का पाउडर है, ये लहसुन का पाउडर है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा सब हाफ़ टी स्पून लिया मैंने, ये नमक है 1/2 टीस्पून, और ये जो है आपके हल्दी है ये 1/2 टीस्पून, अदरक का पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला जो है ये गरम मसाला ये भी 1/2, ये चारों चीज़ें जो है ये 1/2 लिए हैं, और बाकी तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे पास मौजूद है। और ये क्योंकि टमाटर थोड़े से हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा जो फ्लेम है इसको तेज़ कर देती हूँ, फ्लेम को तेज़ कर देती हूँ। तो आप लोगों को जैसा मालूम है, आप लोगों ने बड़ी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन आप यकीन करें कितनी मेहनत से मैंने बहुत मेहनत की है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत जल्दी हो गया, तकरीबन मुझे 1 साल हुआ तो उसके बाद मोनेटाइज हुआ। माशाल्लाह से अब मेरा जो है वो आपको पता है कि 10 डॉलर करने होते हैं, वो भी तकरीबन मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप लोगों की बड़ी इनायत है, और यकीन करें अगर आप लोग किसी का साथ देते हैं तो अल्लाह आप लोगों का साथ देता है, ये मेरा ईमान है। कि मैंने भी काफ़ी लोगों का साथ देती हूँ तो लोग भी मेरा साथ देते हैं, और मुझे ऐसे अच्छे अच्छे लोग यहाँ मिले हैं तो जो मेरा काफ़ी काम करते हैं। और देखिए इसी की वजह से है कि मैं आज मुकाम पर हूँ। तो ये मैंने टमाटर डाले हुए हैं, अच्छा इसके अलावा अब सारा मसाला जो है मैं अब ये इसमें डाल देती हूँ, ये आप देखिए ये सारा मसाला डाल दिया मैंने। ठीक है, ये अच्छे खासा भुन रहा है, और ये इसमें थोड़ा सा अदरक का पाउडर रह गया था, ये भी मैंने डाल दिया, ये अदरक का पाउडर। अच्छा आप देखिए इसकी कितनी
खुशबू बेहतरीन आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसमें। और जब खुशबू ज़्यादा आती है तो आपको तो पता ही है कि चीज़ भी ज़ाहिर है अच्छी बनेगी। कोशिश मेरी होती है कि मैं जो इंग्रेडिएंट्स जो डालती हूँ तो वो वैसे ही होने चाहिए जितने के सही रहे। ये नहीं कि आप बनाए तो आप कह के नहीं मैंने बनाया था तो ऐसा तो नहीं बना। माशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। और हमारे यहाँ जो है ना लौकी सब पसंद करते हैं, लिहाजा मैं बड़े शौक़ से लौकी बनाती हूँ। कभी आपने देखा होगा मेरी रेसिपी में दही नहीं करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, शुक्रिया बहुत। और मज़ीद आप देखिए, जो न्यू लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और उसके अलावा जो है शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आपसे हो सके तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ अगर किसी की है तो उसको सराहना आपका काम है, उसको सराहें आप। तो अब शुक्रिया आपका, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जिन्होंने मेरा सब ने तकरीबन मैं समझती हूँ साथ दिया। हम लोग जो है यूट्यूबर जो है वो आप ही लोगों की वजह से जो है वो आगे बढ़ते हैं और आप ही लोग हमें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम खुद से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप लोगों का हमारा साथ नहीं हो, जब तक हम लोग ना आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा हमारी मेरी कोशिश यही होती है कि जो आप लोग कहते हैं तो मैं वही आपको बना के बताऊँ। तो अब मैं चली हूँ इसका कि सबसे पहले अब जो मैं कर रही हूँ तो इसमें तमाम जो सब्ज़ी है ये मैंने पूरी डाल दी है। ये सब्ज़ी मैंने पूरी डाल दी है। ये तमाम सब्ज़ी डाल दी है। अब इसको मैं जो दूसरे जो है वो चमचा है इससे करूँगी, क्योंकि उससे तो सही नहीं हो सकता, तो ये इससे करूँगी। आप लोग माशाल्लाह से सभी खुश हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं आप लोगों की भी। मैं और कुछ मैं देखती हूँ, मैं किसी को नहीं भी जानती हूँ, लेकिन जब अगर उसकी रेसिपी मेरे सामने आती है, आप यकीन करें कि मैं सिर्फ ये सोच के करती हूँ कि मेरा भी चैनल है। कोई हम खुद से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप लोगों का हमारा साथ नहीं हो, जब तक हम लोग ना आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा हमारी मेरी कोशिश यही होती है कि जो आप लोग कहते हैं तो मैं वही आपको बना के बताऊँ। तो अब मैं चली हूँ इसका कि सबसे पहले अब जो मैं कर रही हूँ तो इसमें तमाम जो सब्ज़ी है ये मैंने पूरी डाल दी है। ये सब्ज़ी मैंने पूरी डाल दी है। ये तमाम सब्ज़ी डाल दी है। अब इसको मैं जो दूसरे जो है वो चमचा है इससे करूँगी, क्योंकि उससे तो सही नहीं हो सकता, तो ये इससे करूँगी। आप लोग माशाल्लाह से सभी खुश हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं आप लोगों की भी। मैं और कुछ मैं देखती हूँ, मैं किसी को नहीं भी जानती हूँ, लेकिन जब अगर उसकी रेसिपी मेरे सामने आती है, आप यकीन करें कि मैं सिर्फ ये सोच के करती हूँ कि मेरा भी चैनल है, कोई मुझे भी करता होगा इस तरह से, तो मैं आप लोगों की कर देती हूँ। जी बहुत आपका शुक्रिया है कि आप लोग मेरे चैनल को देखते। अब देखिए मैंने अच्छी तरह से ये मिला लिया। अब इसमें जब थोड़ा सा भुन जाएगा ना तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये दो मिनट की, ये देखिए कितनी जल्दी झटपट बन गई है ये। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो अब पानी डालने के लिए मैं सबसे पहले ये देखूँगी कि इसको मिक्स हो गया है कि नहीं मसाला इसमें। तो ये देखिए ये हो गया ना मिक्स, सारा मसाला मिक्स है इसमें। ये देखिए ये, और बहुत इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। अभी तो खाने का टाइम गुजर चुका है, लेकिन खैर मैं बना रही हूँ। तो अब देखिए मैं जो पानी है ये इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए आधा गिलास पानी डाला मैंने। अब इसको मैं दो मिनट के लिए छोड़ दूँगी इसको सारा हो करके। अब देखिए इसको आप इसकी जो लुक देख रहे हैं कितना खूबसूरत लुक लग रहा है इसका। ये देखा आपने, थोड़ा सा और डालूंगी, आधा गिलास अभी और डालूंगी। पहले मैंने कहा ये मिक्स कर लूँ इसमें, और आँच मैंने तेज़ कर दी है ताकि थोड़ा सा इसमें बॉयल जो आए, और उसके बाद ना फिर इंशाल्लाह मैं इसको ढाँक के रख दूँगी। इसको ढाँकूँगी तो फिर उसके बाद तकरीबन ये सही होगा। फिर ढाक के थोड़ा सा ये पकता रहेगा। अब ये मेरा अभी आप ये बताइए कितना टाइम लगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, बहुत कम टाइम लगा। ये देखिए आधा गिलास और डाल दिया मैंने,
बस अब इसको मैं ढक दूंगी बस। अब मैं फिर मिलती हूँ आपसे। वेलकम बैक टू मलवा सुल्ताना किचन। जैसा कि आपको मालूम है, झटपट बनने वाली रेसिपी बनाई है लौकी और आलू की। ये देखिए, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करने के लिए सबसे पहले जो है ये देखना यह है कि गल गई है कि नहीं। बिल्कुल 100% ये गल चुकी है। आप देखिए, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। इसको थोड़ा शोरबा रखा है क्योंकि अक्सर लोग ना पसंद नहीं करते बगैर शोरबे के, तो मैंने इसको ये रखा है शोरबा। ये देखिए, ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। इसको बहुत जल्दी बनी है, ये झटपट बनने वाली ही रेसिपी है और बड़ी टेस्टी है। अगर आप इसको मज़ीद और अच्छा करना चाहते हैं तो इसके अंदर उसका पाउडर डाल दें आप, चिकन पाउडर डाल दें। मैंने नहीं डाला, लेकिन वैसे ही ये मज़े की है तो मैंने चिकन पाउडर नहीं डाला इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका जो ऑयल है वो देखिए आप ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए, और आप लोग जो है मेरा जो चैनल है मनोहर सुल्ताना का किचन है, और इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो उसमें ज़रूर कमेंट दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। और आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मेरे लिए भी दुआ करते रहें। हमारा और आपका साथ मुस्तकिल रहता है, जाएगा तो हमारा और आपका साथ रहेगा। आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हम आपके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह। और आखिर में मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ।